इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर है। जिस दिन का सबको इंतजार था आखिर उस तारीख का ऐलान हो ही गया है। नृपेंद्र मिश्रा ने बता दिया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी श्रेया शुक्ला जुड़ चुकी है। श्रेया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी और नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है? जी हां दीपिका, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब वो तारीख पता चल चुकी है जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ये तारीख है 22 जनवरी। सनातनियों को ये खुशखबरी हमें सुनाते हुए बेहद खुशी हो रही है। 22 जनवरी को वो दिन, वो तारीख रखा गया है जब प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी और कहा जा रहा है कि 20 से 22 जनवरी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी वहां कभी भी आ सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको बता दी दीपिका कि नृपेंद्र मिश्रा ने दी है। दीपिका आपको बता दूं, उन्होंने जानकारी दी है कि प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष, अगले साल यानी कि 22 जनवरी को होगी और इसमें एक अलग व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें श्री राम की मूर्ति पर पड़े, ऐसी व्यवस्था की जा रही है और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो बेहद सनातनियों में इसी का इंतजार था कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो तारीख क्या होगी। तो हम आपको बता दें कि 22 जनवरी वो दिन है और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे खास बात यह है कि राम मंदिर में केवल एक मूर्ति नहीं होगी बल्कि श्री राम की दो मूर्तियां होगी। जी हाँ, एक होगी अचल मूर्ति होगी और एक चल मूर्ति होगी। इस मूर्ति में श्री राम की बाल्यावस्था होगी तो एक रामलला की होगी। इस पर पूरी जानकारी मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि भगवान 4 या 5 वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। और आपको बता दें कि समारोह में लगभग 10,000 अति विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होंगे जिनमें राम मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े साधु संत समाज के लोग और देश विदेश व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जाने माने लोग शामिल होंगे। ये जानकारी दी है नृपेंद्र मिश्रा ने। उन्होंने आगे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख दर्शनार्थियों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। श्रेया, बताया जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के सचिव भी रह चुके हैं। जी हाँ दीपिका, आपने सही कहा कि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के सचिव रहे, उन्होंने सलाहकार रहे, बेहद करीबी माने जाते हैं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति के वो अध्यक्ष भी हैं। और यही कारण बताया जा रहा है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में, जहां तक उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा से क्या लोकसभा चुनाव में कोई बीजेपी को कोई फायदा मिलता है, उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया है। आगे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताते हुए कहा कि जो अंतिम दिन होगा, जिस दिन भगवान वहां पर एक तरीके से सभी के समक्ष सम्मुख होंगे, उस दिन पूजा का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। पूजा के कार्यक्रम में जो एक तरीके से अंतिम अध्याय होगा उसमें प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित होंगे। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि 20 से 24 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी यानी कि 22 जनवरी, उस दिन भी मोदी आ सकते हैं, अभी अटकलें लगाई जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कब शामिल होंगे उसकी सूचना अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आई है। अंतिम कार्यक्रम उनका जब आएगा तो ट्रस्ट फिर उसकी घोषणा करेगा, लेकिन यह अनुमान है कि 20 से और 24 जनवरी के बीच ही कोई तिथि होगी क्योंकि प्रधानमंत्री उसके बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अति व्यस्त हो जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया गर्भगृह में 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, एक अचल होगी जो खड़ी मूर्ति होगी जिसे वास्तुकार अपनी कल्पना के अनुसार बना रहे हैं, 3 वास्तुकार अलग अलग इसे बना रहे हैं। भगवान 4 से 5 वर्ष की आयु के होंगे। भगवान की मूर्ति की लंबाई 51 इंच होगी या बाल स्वरूप होगा भगवान का, इसी के समकक्ष जो वर्तमान रामलला है जो कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पक्षकार थे, वह रामलला वहां पर रखे जाएंगे। यानी कि पहले रामलला जो वहां पर विराजित थे जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पर जो स्थापित हुए थे रामलला, वो भी इस राम मंदिर में आपको दिखाई देंगे। प्राण प्रतिष्ठा उनकी भी होगी, 2 मूर्तियां यहां पर होंगी। तो इस तरह से नृपेंद्र मिश्रा ने अधिक जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी को भी लेकर कहा है कि 20 से 22 जनवरी के बीच वो पहुंच सकते हैं और अब सनातनियों का इंतजार खत्म हो गया है। 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबकी बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर है। नृपेंद्र मिश्रा ने बड़ी जानकारी दी है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।